हेलो गाइस, वेलकम टू चारापुना। चारापुना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, भारत की चांद पे सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद एक शब्द बहुत ही पॉपुलर हो चुका है और उस वर्ड को लेके लोग बहुत ज्यादा बातें भी कर रहे हैं आज के दिन में। वो शब्द है चंदा मामा दुड़के। डेफिनेटली ये शब्द सुनने के बाद आपको भी लग गया कि ये शब्द कहीं ना कहीं सुना सुना लग रहा। सुशांत सिंह राजपूत की आने वाले जो मूवी था, जो मूवी ऑलरेडी सुशांत सिंह राजपूत ने साइन कर लिया था, उस मूवी का नाम था चंदा मामा दुड़के। यानी जिस मूवी को करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत नासा से ट्रेनिंग तक कर चुके थे, वो बस और बस उस मूवी के प्रति डेडिकेट रहने के। Red and the blue, then there's a communications port. Chest, okay. Under the arms, and then around to the backpack on the back. The modern versions, there's no hoses. I think the current sort of it's so we end up here mm-hmm. when we connect a kind of a so they're doing an experiment with a spider which you can use for work or for entertainment, but you can also close the doors on. Hey, take a dive, man. So the other thing that they're doing is they have what they call a CCD. It's a cursor control. क्योंकि दोस्तों, चंदा मामा दूर की जो मूवी था वो कोई एक सिर्फ मूवी नहीं था, वो था सुशांत सिंह राजपूत की एक सपने के अंदर। हालांकि वो सपना रजिस्टर नहीं था सुशांत सिंह राजपूत की बाकी सपनों के लिस्ट पर उनकी डेडिकेशन देख के ही पता चलता है कि वो कितना ज्यादा उत्सुक थे उस मूवी को करने की पर। और साथ ही साथ मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे कोई मूवी में काम करना चाहेंगे जिस मूवी में आके जस्ट शूट करके वो निकल जाएंगे। कोई मूवी के प्रति कितना डेडिकेट रहना है वो तो हम लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत की इससे पहले बहुत सारे वीडियो रिलीज हुआ था जिस वीडियो में देख भी लिया कि वो कोई भी काम के लिए कितना डेडिकेटेड रहते हैं, जिसके कारण वो एक स्किल्ड महाकाश यात्री बनना चाहते थे ताकि मूवी में कोई भी लैग ना लगे। और ये बात भी नया करके बताने की शायद कोई जरूरत नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत को स्पेस साइंस को लेके कितना लगाव था। वो चाहे एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देखना हो या फिर मून को देखना हो या फिर मून पे खुद की प्लॉट लेना, यानी वो कितना कनेक्टेड थे स्पेस के साथ। और जिसके कारण जैसे ही वो मून मिशन कंप्लीट होने के बाद चंदा मामा दूर के जो शब्द को लिया गया था हमारी प्रिय नरेंद्र मोदी जी के मुंह से, उसके बाद ही लोग कनेक्ट कर पाए थे सुशांत सिंह राजपूत से। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। और साथ ही साथ 2024 में वो मून पे जाने की इच्छा भी जाहिर किया था। वो चाहते थे कि 2024 में वो सक्सेसफुली मून पे पहुंच सके और डेफिनेटली उनकी जिंदगी में ये और एक जो सपना था उस सपनों को भी साकार कर सके। यानी एक व्यक्ति का अगर ये सब सपनों की लिस्ट में आते हैं तो डेफिनेटली स्पेस के प्रति या फिर स्पेस साइंस के प्रति कितना प्यार होना चाहिए और उसके बाद ही ये सब चीज किसी व्यक्ति को अच्छा लग सकता है। और ये बात बहुत सारे लोगों को ही शायद पता नहीं कि चंदा मामा दूर की जो मूवी था ये मूवी बस और बस एक लॉबी के कारण सुशांत सिंह राजपूत के हाथ से कहे या फिर वो मूवी की प्रोजेक्ट कहे डिस्ट्रॉय हुआ था। बस इसके पीछे था एक बहुत बड़ा लॉबी। पर भारत की मून लैंडिंग के बाद जैसे हम भारतवासी के हिसाब से गर्व से अपना सर ऊंचा करके कह सकते कि हम आज चांद तक पहुंच गए हैं, और मून लैंडिंग के बाद वो चंदा मामा दूर की शब्द के माध्यम से जो लोग सुशांत सिंह राजपूत को भूलने बैठे थे वो भी थोड़ा सा सर उठा के एक बार सुशांत सिंह राजपूत की नाम ले पाएंगे। क्योंकि आज के दिन में मुझे नहीं लगता था कि किसी ज्यादा किसी लोगों को सुशांत सिंह राजपूत की नाम के बारे में पता था, पर वो चंदा मामा दूर की जो वर्ड है वो वर्ड सुनने के बाद लोगों को फिर से एक बार सुशांत सिंह राजपूत की याद आ गई। और हमारी माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा ये जो चंदा मामा दूर के शब्द को इस्तेमाल किया गया था तो उस टाइम पे क्या एक ह्यूमैनिटी की खातिर उनके दिमाग में सुशांत सिंह राजपूत की नाम क्लिक किया था? क्योंकि डेफिनेटली इंडिया से जब कोई बंदा नासा तक पहुंच रहा है ट्रेनिंग के लिए तो भारत सरकार के पास यानी सब किसी की हाई अथॉरिटी के पास ये खबर रहता है कि कौन नासा में जाके ट्रेनिंग वगैरह कर रहा है, तो सब किसी को पता होगा। साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत जहाँ पे हमारी इंडियन गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ था उस जगह पे क्या हमारी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दिमाग में एक बार भी सुशांत सिंह राजपूत की नाम खटका था जब चंदा मामा दूर की शब्द को वो इस्तेमाल किया था? और अगर सुशांत सिंह राजपूत की नाम उस वक्त थोड़ा सा भी एक सेकेंड के लिए भी अगर याद आया
तो क्या ह्यूमैनिटी की खातिर क्या सुशांत सिंह राजपूत की न्याय की इस लड़ाई में थोड़ा सा सहयोगिता नहीं दिखा सकते हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी? तो बस दोस्तों, चंदा मामा दूर की जो शब्द है, ये शब्द आज के दिन में हर एक भारतवासी के मुंह से, प्रधानमंत्री जी के मुंह से सुनने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की ही किया कुछ काम आज रिपीट हो रहा है। यानी बंदा फ्यूचरिस्टिक तो नहीं था, बंदे ने कहीं फ्यूचर तो देख नहीं लिया था। क्वेश्चन में आपके सामने डाला, उत्तर तो आप देंगे। तो बस दोस्तों, इसके रिगार्डिंग आप लोगों का जो भी कहना है, आप लोग आराम से कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिए। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा। टाटा।